तो हाँ जी, क्या हालचाल? तो भाई Realme अपने GT Neo 6 सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर दी है। इंडिया में नहीं भाई साहब, वो चाइना में लॉन्च हुआ है। नाम है Realme GT Neo 6 SE। चाइना में लॉन्च हो चुकी, कल ही लॉन्च हुई है। लेकिन भाई साहब, चाइना में लॉन्च हुई तो मुझसे क्या मतलब भाई, मुझे क्या लेना देना? चाइना में लॉन्च हुई है, क्या भारत में लॉन्च होगी? बता दूं, जी हाँ, भारत में भी अपने यहां लॉन्च होने वाली है। BIS पर लिस्ट हो चुकी है, बट किंतु परंतु लेकिन इसका नाम बदल जाएगा। जी हाँ, नाम होगा Realme GT 6। जी हाँ, इस नाम से ये इंडिया में लॉन्च होने वाली। कब लॉन्च होगी? देखिए, ऑफिशियली डेट तो सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि मई के लास्ट जून तक देखने को मिल सकती है। ये प्रिडिक्शन है, जैसे ऑफिशियल डेट अनाउंस होगी सब कुछ बता दूंगा। शायद क्या अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रहा होगा कि क्या जो Realme GT Neo 6 ऐसे जो चाइना में लॉन्च हुआ, क्या हूबहू वही लॉन्च होगा स्पेक्स के साथ इंडिया में? नाम खाली बदल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या बदलने वाला है। हर सेक्शन में बताता जाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस होंगे जो इंडिया में लॉन्च होंगे और प्राइस क्या होगी, सब बताएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होती है भाई, मुझे ना यहाँ थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। और हाँ, आप इस वीडियो के थ्रू कैसे पैसे कमाएंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा। चलिए, खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब, Realme GT Neo 6 SE जो कि इंडिया में Realme GT 6 के नाम से लॉन्च होगा, क्या होने वाला, क्या खास होगी। चलिए बात करते हैं, यानी शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों, नो डाउट यहां आपको ना चमचमाता हुआ ग्लास बिल्ड ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, ग्लास का बैक होगा, प्लास्टिक फ्रेम होगी, ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है? Corning Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, दमदार है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, जो यहाँ चाइना में वही इंडिया में होगा। फोन का वेट बताया जा रहा है 191 ग्राम, थिकनेस 8.65 mm, साथ ही आपको IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। धूल और पानी दोनों से फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी है, एज इट इज वही इंडिया में भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि दिखने में कैसा होने वाला है। चलिए नजर डालते हैं इसके डिजाइन पर। तो दोस्तों, डिजाइन जो है वही होगा जो चाइना में हुआ है, वही आपको इंडिया देखने को मिलेगा। बैक साइड देखेंगे, टॉप पर आपको डुअल कैमरा की हाउसिंग है, साथ ही एलईडी फ्लैश के साथ, नीचे रियलमी की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। और बता दें, 92% के आसपास बॉडी टू रेशियो है, यानी कि वेजस तो होंगे नहीं क्योंकि भाई कर्व्ड है, तो ना के बराबर है, और चीन एकदम पतली से होने वाली है। कलर्स की बात करें, केवल दो ही कलर्स हैं, ब्लैक और ग्रीन। अब सवाल है कि यही कलर्स इंडिया में होगा? चांसेस ज्यादा हैं कि इंडिया में आपको यही कलर देखने को मिल सकती है, तो यहां तक तो कोई बदलाव नहीं है। अब बात है कि सब कुछ तो सही है, कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाला है। चलिए नजर डालते हैं इसके डिस्प्ले पर। तो दोस्तों, डिस्प्ले क्वालिटी जबरदस्त, जो को 60,000 के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, वही डिस्प्ले आपको यहां देखने को मिल रही है। प्राइस बताएंगे अभी, रुक जाइए, प्राइस बताएंगे लास्ट में। स्क्रीन साइज जबरदस्त है, यहां मिलेगा 6.78 इंच की 1.5K 10 बिट का BOE Pro XDR 8T LTPO OLED पैनल, 2718x1264 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, टोन टू स्नो का स्पेक्ट रेशियो 450 ppi के पिक्सल डेंसिटी, 6000 nits की पीक ब्राइटनेस, 120 Hz की रिफ्रेश रेट, 360 Hz की टच सैंपलिंग रेट, HDR 10 प्लस वाइड वाइन L1, जबरदस्त डिस्प्ले क्वालिटी। बस डॉल्बी विजन दे देता तो सोने में सुहागा हो जाता भाई साहब, जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी शानदार डिस्प्ले की यहाँ जो 60,000 के प्राइस रेंज देखने को मिलती है, आपको यही देखने को मिल रही है। तो सोच लीजिए कि प्राइस क्या होने वाली है, 50-60 हज़ार के रेंज में मिलती है, तो उससे कम का ही प्राइस होने वाला इंडिया में। लेकिन देखा जाए, 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जाने की भाई साहब रियलमी ने ठान लिया है कि अपने यूजर को अंधा बनाना ही है। ऐसे देखा जाए नॉर्मली 1600 पीक ब्राइटनेस तक, यानी ये हाइयर देखा गया है, तो 1600 तक रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट, कॉम्बिनेशन शानदार है। सोशल मीडिया पेज पर गेमिंग करने में मजा तो आने वाला, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बताया जाए नेटफ्लिक्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, प्लस यूट्यूब और अमेजन का तो है ही HDR कंटेंट। तो डिस्प्ले क्वालिटी जबरदस्त है, कोई कंप्लेंट नहीं है। अब सवाल है कि इस स्मार्टफोन को
चलाने के लिए दिमाग कौन सा यूज किया गया है, यानी कि प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को शक्ति दिया गया है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर। प्रोसेसर जबरदस्त है, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग सब कम देखने को मिलेगा, वेपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट यहां पर दिया गया है, वो भी 7 लेयर वाला जबरदस्त है, लार्जर है, हीट होने चांस बहुत ही कम है, ना के बराबर है। कितना पावरफुल है चलिए नजर डालते हैं इसके रॉस की तरफ। यहां मिलता है 4 कोर्टेक्स A715 जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया गया है, वहीं 4 कोर्टेक्स A510 जो कि 1.9 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया। परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है ही, कोई दिक्कत नहीं है, गेमिंग आप 60 FPS तक कर सकते हैं। मिलते हैं एड्रीनो 730G पर साथ ही LPDDR5 एक्सट्रीम UFS 4.0 वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है, रेट की स्पीड कोई दिक्कत नहीं है, 13,66,000 के आसपास का स्कोर आया हुआ है, 14 लाख के आसपास 8 5G बैंड देखने को मिल जाती है। लेकिन ये तो चाइना में लॉन्च हुआ था, क्या इंडिया में यही प्रोसेसर होगा? नहीं, प्रोसेसर अपग्रेड हो जाएगा इंडिया में जब लॉन्च होगा। Realme GT6 आपको यहाँ मिलेगा, Snapdragon 8S Gen 3 प्रोसेसर से देखो मिलेगा, ऐसा लीक सामने आई है। कुछ होगा अपडेट तो मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा जरूर, लेकिन देखा जाए प्रोसेसर दमदार है, 86 Gen 3 भी आती है तो वो भी दमदार है, इससे भी और अच्छा है, कोई खराब है नहीं, मार्केट कवर कर रखा भाई, यही दोनों कवर कर रखे हैं मार्केट प्रोसेसर के मामले में, जबरदस्त है। लेकिन हाँ, अब सवाल है, यहाँ तक तो सब अच्छा है, क्या इमेज कैप्चर और वीडियो रिकॉर्डिंग में मजा आने वाला है, यानी कि कैमरा कैसा होगा? चलिए बात कर लेते हैं कैमरा की। तो दोस्तों डुअल कैमरा है, दोनों ही जबरदस्त है और सेल्फी भी जबरदस्त है, क्योंकि यहां मिलेगा पहला 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी IMX 882 सेंसर, वहीं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सोनी IMX 355 सेंसर देखने को मिलता है, जो 4K 30 FPS 1080 240 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फी की बात करें यानी कि आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए रील शॉट्स बनाने के लिए हम मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सोनी IMX 615 सेंसर यूज किया, जैसे 4K 1080 दोनों ही 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी क्वालिटी जबरदस्त होने वाली है। अब क्या यही चीज कैमरा सेंसर साथ इंडिया में आएगा? बताया जाएगा कि जी हाँ, यही सेंसर और कैमरा देखने को मिलने वाला जब इंडिया में लॉन्च होगा। खैर अब बात करते हैं इसके, यानी कि इस स्मार्टफोन को जान फोड़ने की कितना MAH की बैटरी मिलेगी, चलिए बात कर लेते हैं बैटरी की। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को जान फोड़ने के लिए मिलता है 5500 mAh की बैटरी, 100 वाट की चार्जिंग सपोर्ट, चार्जिंग बॉक्स में डेफिनेटली मिलेगा, बैकअप शानदार करके देगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी फ्लॉन्ट रेखांकन, जिटर पुटर, जितने भी सेंसर NFC IR ब्लास्टर सब मिलेंगे, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलेगा 2.0 वाला, डुअल स्टूडियो स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस सेटिंग है, ये साउंड जबरदस्त है, लेकिन अनफॉर्चूनेट 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलती है। लेकिन अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों यहां आपको मिलेगा जैसे लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 को पर आउट ऑफ दी बॉक्स, रियलमी UI 5.0 एकदम लेटेस्ट है, ब्रॉडवेयर होंगे हटा सकते हैं, UI आपको डिसेंट मिलने वाली है, रही बात अपडेट साइकिल तो 4 साल बताया जा रहा है, देखते हैं जब भारत में लॉन्च होगा क्या होगा, इसका अपग्रेड होगा डाउनग्रेड क्या होता हो तो बात की बात है। लेकिन अब बात करते हैं इसके वेरियंट्स और प्राइस, एक साथ बात करेंगे, चाइनीज प्राइस बात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा, कैसे पैसा कमाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, केवल 150 टारगेट पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिली साथ, चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करके, आपके लिए फ्री होती है, मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात कर लेते हैं वेरियंट्स और प्राइस की। तो दोस्तों चाइना में जो वेरिएंट्स और प्राइस लॉन्च हुआ है ना, जबरदस्त है, मल्टीपल वेरिएंट्स है, प्राइस भी भाई साहब एग्रेसिव प्राइस पर है। पहला है 8 प्लस 256 जिसकी प्राइस है 2730, वहीं 12 प्लस 256 जिसकी प्राइस है 23035, वहीं 16 प्लस 256 जिसकी प्राइस 25830, वहीं 16 प्लस 512 जिसकी प्राइस 29355। ये अप्रोक्स प्राइस है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद देखा जाए जबरदस्त है। लेकिन भाई साहब ये सेम प्राइस इंडिया में नहीं होने वाली, जब इंडिया में लॉन्च होगी तो बताया जा रहा है कि अंडर 30,000 से इसकी प्राइस शुरुआत होने वाली है, 30,000 में प्राइस होगी, जबरदस्त होगी। यदि 8S Gen 3 के साथ लॉन्च होती है हो जाती है, इसके थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 35 तक बताया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं अभी कहूँगा यदि आपको मोबाइल परचेस करनी इसी प्राइस रेंज में तभी आप रुक जाइए, क्योंकि अभी बैक टू बैक मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं, फिर कंपेयर करें, क्योंकि रियलमी P1 Pro भी बैठी हुई है, Vivo T3 भी है जिस एक्स पर मैंने वीडियो बना रखा है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कई सारे स्मार्टफोन अभी आने वाले हैं, यहाँ पर IQ टर्बो भी आने वाला है, Z9 भाई साहब वो भी जबरदस्त है, IQ आने वाला नया लॉन्च फोन करिए, उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं अभी, नेक्स्ट आपका वीडियो उसी में देखने को मिलने वाला है, तो अभी आप वेट कर लीजिए,
आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा बेस्ट होने वाला है, सब सारे फोन्स को बता दूंगा मैं। लेकिन सवाल है कि आप इस स्मार्टफोन के थ्रू पैसे कैसे कमाएंगे, लेकिन मैं पहले बता दूं कि आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन को लेकर, कितना एक्साइटेड है रियलमी जी टी 6 को लेकर जो इंडिया में लॉन्च होगा नाम बदल कर, बताएं कमेंट करके। आप किस प्राइस पॉइंट पे आप पर देखना पसंद करेंगे जरूर बताएं कमेंट करके, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे तो मोटिवेशन मिलता है और YouTube के एल्गोरिथम तो व्यूज में हेल्प हो जाता है और आपकी भी हेल्प होगी। कैसे? जितना कमेंट करेंगे उतने चांसेस इंक्रीज होते हैं पैसे कमाने के। जी हाँ, मंडे टू सैटरडे के वीडियो में जितने भी कमेंट आते हैं रैंडमली कमेंट सेलेक्ट किया जाएगा कि केवल एक विनर का अनाउंस होगा नाम, वो भी संडे वाले वीडियो में मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम पे ये अनाउंस कर दिया जाएगा। उस टाइम बताया जाएगा कैसे क्लेम करना है, कितने दिन के अंदर क्लेम करना है, सब कुछ प्रोसीजर बता दिया जाएगा और डायरेक्ट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या जा रहा है, वीडियो देखिए पूरा, कमेंट करिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं तभी कमेंट शो करेगा, तभी रैंडमली सेट होगा। यदि आप थोड़ा सा वीडियो देख के कमेंट करेंगे वो कमेंट आपका नहीं लिया जाएगा, इतना याद रखिएगा दिमाग में। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा वीडियो देखें कमेंट कर देंगे तो वो आपका कमेंट रैंडमली में आ जाएगा, वो नहीं आता क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इसको लिया जाता है, उन्हीं का नाम आएगा जो ये फुल वॉच करते हैं वीडियो। जी हाँ, तो पूरा देखिएगा तभी चांसेस आपके इंक्रीज होंगे। तो प्यार बरसाइए, सपोर्ट करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you.